यूनियन कैबिनेट ने BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL के मर्जर को ग्रीन सिग्नल दे दिया, और सिर्फ ग्रीन सिग्नल ही नहीं, एक रिवाइवल पैकेज भी अनाउंस किया है, और वो भी 1.64 लाख करोड़ रुपीस का, अच्छा खासा अमाउंट है। इस पैकेज में आएगा एक तो कैश सपोर्ट जो है तकरीबन 43,000 करोड़ रुपीस का, दूसरा आएगा नॉन कैश सपोर्ट जो कि है तकरीबन 1.20 लाख करोड़ रुपीस का। ये रिवाइवल प्रोग्राम अराउंड 4 इयर्स के पीरियड का है। इस मर्जर से BSNL को एडिशनल 5.67 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर भी मिलेगा, विच विल बी लेड अक्रॉस 1.85 लाख विलेज पंचायत अक्रॉस द कंट्री। इस रिवाइवल पैकेज से BSNL को 4G में अपग्रेड करने के लिए मदद भी मिलेगी, साथ ही साथ 29,000 से ज्यादा गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाएगा और बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करने पे भी फोकस किया जाएगा। अब बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस कैसे करना है? बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सोवरेन गारंटी बॉन्ड इशुएंस को अप्रूवल भी दे दिया है, जिसकी मदद से वो अपने बैंक लोन्स को रीपे भी कर पाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इस मर्जर से BSNL और BBNL का कंबाइंड फाइबर नेटवर्क अराउंड 14 लाख किलोमीटर का हो जाएगा, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर बाकी कंपनीज की बात की जाए, जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड अडानी डेटा नेटवर्क्स, ये सब तो ऑलरेडी 5G की बिडिंग में भी लग चुके हैं, तो देखा जाए तो BSNL थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन हो सकता है इस रिवाइवल पैकेज से BSNL को थोड़ा सा बूस्ट मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।